हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी टर्म है? सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज़ कट। तो सपोज मान लीजिए ये वो स्फेयर है जिससे ये हमारा मिरर बना है, तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो जिस स्फीयर से हमने मिरर को काटा है उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट हम आते हैं पोल पे। इट इज़ द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर है ये, वो हमारा क्या होता है? पोल होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है एक टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे सर्कल के अंदर रेडियस होती है, ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो सेंटर और पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ नॉर्मल टू मिरर एट इट्स पोल। तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको हम एक और टर्म से किसके नाम से बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इट इज़ नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। यहाँ पे 90 डिग्री का जो है एंगल बनाती है। उसके बाद आता है अपर्चर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। जो ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा अपर्चर हो गया। फोकस द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पे जो पैरेलल रेज अगर आ रही हैं, मान लो ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं और वो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो जनरली ये सी और पी का मिड होता है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली बीच में ही हम बनाते हैं। और फोकल लेंथ क्या होगी? तो एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होगी। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए। जिस यहाँ पे सबसे पहले देखिए, फर्स्ट रे होती है कि जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सी है मान लो यहाँ पे, तो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल कोई भी रे आएगी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास होती है। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर कोई रे फोकस में से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे फोकस में से जा रही है, सपोज़ मान लो इस तरह से फोकस में से गई कोई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा कॉनकेव मिरर का केस हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर हमें पता है। कॉनकेव मिरर में जो अंदर वाला है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में बाहर वाला जो है स्फेरिकल का बाहर वाला पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सेकंड रे कौन सी होती है? जब रे आती है हमारी, ठीक है, वही ये वाली जो हमने पढ़ी थी कि फोकस में से अगर पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, वही सेकंड वाला है यहाँ पे भी सेम। अगर फोकस में से अपीयर हो रही है पास होती हुई, क्योंकि फोकस यहाँ तो अंदर है तो हम आगे बढ़ा के ही देख सकते हैं, इधर वाली साइड तो फोकस होगा नहीं, यही होगा, तो आगे बढ़ा के तो वो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रे होती है कि जब किसी एंगल पे फॉल करती है, वो पोल पे किसी एंगल पे गिरती है, तो मान लो थीटा एंगल पे गिरी तो उसी एंगल से वो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आती है कि कोई रे जब सी में से पास करती है, अगर कोई रे सी में से मूव करती है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अगर कोई सपोज मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है और कोई रे इस तरह से गई कि मान लो ये सी में से पास हो कॉन्वेक्स के केस में, तो इसी डायरेक्शन में वो जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। क्लियर, बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होगा, कौन सा केस लेंगे? जब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, कहाँ है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे। तो कॉनकेव मिरर कैसे बनता है भाई? इस तरह से बनेगा, इसका अंदर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, मतलब क्या होता है इसका कि
जो ऑब्जेक्ट है वो इधर अंदर वाली साइड में ही होगा और ये बाहर वाला सरफेस जो है पॉलिश्ड है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है दैट मीन्स क्या है कि जो रेज हैं वो पैरेलल ही आएंगी। एक रे पैरेलल ये आई, एक रे पैरेलल ये आई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कोई पैरेलल रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाती है, फोकस में से पास करती है। तो ये भी फोकस में से पास करेगी और फोकस पे ये मीट करेंगे। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज कैसे बनने वाली है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बहुत ही छोटी पॉइंटेड इमेज बनी है और इन्वर्टेड होगी। बट ये तो पॉइंटेड है इसलिए इन्वर्टेड का हमें पता नहीं चला, बट हाईली डिमिनिश्ड होगी और रियल होगी। रियल क्यों है, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रियल है। ठीक है, सेकंड केस क्या होगा हमारा, सेकंड केस है जब कहाँ होगा, बियॉन्ड सी होगा, मतलब कि सी के उधर वाली साइड। तो बियॉन्ड सी होगा तो इसमें क्या कैसे बनाएंगे हम, ये हमने मिरर बनाया, ठीक है, इसका अंदर वाला एरिया, अंदर वाला पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक रे हमने पैरेलल निकाली, पैरेलल जो रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास करेगी। दूसरी रे को हम मान लो अगर सी में से पास करा दें ऐसे, तो सी में से पास करती है जो, वो वहीं से वापस आ जाती है, तो ये कहाँ मीट करेंगी, यहाँ पे। तो जो इमेज बनी है वो कहाँ बनेगी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनी है, इमेज स्मॉल बनी है, ऑब्जेक्ट्स की किस कंपैरिजन में स्मॉल है, इन्वर्टेड है और रियल है। रियल मत क्या मतलब, एक्चुअल में मिल रहे हैं और जो रेज हैं एक्चुअल में मिल रहे हैं तो रियल है। अब थर्ड केस कौन सा होता है, जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे एट सी, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, सी पे रखा, तो फिर से अगेन हमने ये बना दिया, ये देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, ये हमारा सी हुआ, ये एफ हुआ, और हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, सी पे रखा। तो सी से एक तो पैरेलल आ गई रे, पैरेलल जो आई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से जाएगी, तो ये इस तरह से हो गई। दूसरी हम मान लो दूसरी का हम क्या करेंगे, एक हम एफ में से निकाल देंगे, अगर कोई एफ में से जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाती है। तो देखिए ये हमारी इमेज बनी, जब सी पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जब सी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज भी जो है सी पे बनेगी, सेम साइज होगी, सेम साइज की बनेगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। ठीक है, एट सी सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस आता है हमारा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन, बिटवीन किस किस के बीच में है, सी एंड एफ के बीच में, जब है सी एंड एफ के बीच में जब हम बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा, ये हमारा मिरर हो गया कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है, बाहर वाला पॉलिश है, अंदर वाला सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में इधर ही ऑब्जेक्ट रखा है, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, एक रे पैरेलल डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से पास करेगी। ठीक है, दूसरी रे हम क्या करेंगे इस केस में, एफ के थ्रू हमने निकाल दी, ये एफ के थ्रू निकाल दी, तो ये हमारा बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, ये देखिए बियॉन्ड सी इमेज बनेगी। तो इमेज जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सी, बिग लार्ज इन साइज, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड है और रियल है। तो देखिए भाई जो भी कॉनकेव मिरर है उसके केस में अभी तक सारी इन्वर्टेड इमेज बन रही हैं, रियल बन रही हैं और इन्वर्टेड बन रही हैं अभी तक सारी। तो फिफ्थ केस हमारा आता है जब हम फोकस पे रखेंगे, एट एफ रख दिया हमने, एट एफ, एफ पे जब रखेंगे तो क्या होने वाला है, सपोज़ ये हमने मिरर बनाया, ये देखिए इस तरह से मिरर बना देते हैं फटाफट। अब क्या करना है, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, अब हमने एफ पे रखना है ऑब्जेक्ट, एफ पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है,
तो एफ पे जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही एक पैरेलल डाल देंगे, पैरेलल वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से पास होती है, तो ये एक रे होगी। दूसरी क्या करेंगे हम रे, वी कैन डू इट लाइक कि भाई ये इस तरह से पास हो रही है कि सी में से पास हो रही है ये, तो जब भी कोई सी में से पास होती है तो वहीं से वापस आ जाती है, तो ये इस तरह से आ जाएगी। तो जब एफ पे इमेज है तो एफ पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। क्यों इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि ये पैरेलल हो गई है रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो बहुत दूर दूर जाके कहीं मिली तो मिलेंगी ये, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, बहुत लार्ज होगी, ठीक है। एंड और क्या होगा, इन्वर्टेड होगी, लार्ज होगी, इन्वर्टेड होगी एंड रियल होगी, ठीक है। तो अगर मिली तो ऐसी होगी, बट वरना तो बहुत दूर जाके बनेगी और इस तरह की है, क्योंकि पैरेलल रेस बहुत डिस्टेंस पे जाके मिली तो मिली, वरना नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो लास्ट केस है हमारा, वो आता है जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा एफ और पी के बीच में जब हमने रखा, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ये मिरर बनाया फटाफट से, ये सपोज मान लो ये एफ है, ये सी है और ये पी होता है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हमने, एक रे कैसे गई, पैरेलल गई, तो पैरेलल जब रे जाएगी तो हमारी फोकस में से वो पास होती है, तो ये इस तरह से चली जाएगी। दूसरी रे को हम सिमिलरली सी में से पास कर सकते हैं, ये देखिए सी में से पास होती हुई दिखाई, तो यहाँ से जाएगी, यहीं से आ जाएगी, तो ये देखिए, तो ये दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं, ये इधर मिलेंगी ही नहीं, इस तरह से होंगी ये, इनका डिस्टेंस जो है उधर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ वाली साइड तो इनकी इमेज नहीं बनने वाली है, तो इसको हम यहाँ इधर बढ़ा के फर्स्ट केस हमारा जो आया है वो, जब ये इमेज अपराइट है, मतलब इरेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में इमेज एक्चुअल में ये मिलेंगी नहीं कभी, हमने इधर साइड बढ़ा के मिलाई हैं, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब उसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता, इरेक्ट बनेगी एंड लार्जर साइज़ बनेगी। तो सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बन रही है यहाँ पे, वो कब है, जब एफ एंड पी के पास में है ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत पास हम ले आए ऑब्जेक्ट को मिरर के, तब जाके इरेक्ट इमेज आती है, वरना सब में इन्वर्टेड इमेज आती है और उनके मिरर के केस में, ठीक है जी। नेक्स्ट हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो है कैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, किस तरह से होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स होता है जब हमारा इस तरह से मिरर होगा, मतलब कि उसका बाहर वाला जो है वो रिफ्लेक्टिंग सर्विस है, अंदर हमने पॉलिशिंग करी हुई है, तो अंदर ही होते हैं सारे जो एफ और पी और सब होते हैं, एफ और सी जो होंगे वो इनसाइड द मिरर होंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो ही केस बनते हैं, फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा और एक कहीं भी यहाँ पे इसके आगे कहीं भी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, इन्फिनिटी से तो पैरेलल रेज ही आती हैं, ये दो पैरेलल रेज आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, फोकस में से पास करेंगे, अब इसका तो फोकस अंदर है, तो अंदर हम इसको इस तरह से बढ़ा देंगे अंदर इस तरह से, और ये रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो क्या हुआ, फोकस पे जब इन्फिनिटी पे है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट एफ फोकस पे बनेगी, और इरेक्ट मतलब बहुत स्मॉलर साइज़ की बनेगी यहाँ इस केस में, ठीक है, और इरेक्ट होगी बट क्योंकि पॉइंटेड ही बनती है एक तरह से लगा लो, तो ये बनेगी और वर्चुअल होगी, क्यों एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है कहीं पे। दूसरा केस क्या होता है, जब कहीं पे भी बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखो, मीन्स क्या है कि ये देखो मान लो ये है हमारा, तो ये हो गया और
ये इन्फिनिटी कहीं पे भी और ये पोल तो कहीं पे भी मान लो यहाँ रखी हुई है इमेज, तो एक रे हम क्या करेंगे पैरेलल लेके गए, पैरेलल जो गए जाएगी रे वो अपीयर्स इट मूव्स थ्रू द फोकस तो ऐसे जाएगी, एंड दूसरी रे हम सी में से पास करा देंगे इस तरह से ऐसे, तो अब ये इधर से जाएगी इधर इसी लाइन में वापस आ जाएगी, तो ये इधर कहाँ मिल रही है यहाँ पे मिल रही हैं, तो बिटवीन पी एंड एफ बनेगी, स्मॉलर ही है बट क्या बनने वाली है वर्चुअल एंड स्मॉल इस केस में, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में स्मॉल और वर्चुअल ही बनेगी इमेज, इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर को हम जो गाड़ियों की कार्स की कार का जो रियर मिरर होता है जिसके थ्रू हम पीछे देखते हैं व्हीकल्स के, उसमें इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें छोटी इमेज बनती है तो लार्ज एरिया कवर कर पाता है पीछे का और हम देख पाते हैं कि पीछे क्या क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये हमने कॉनकेव मिरर की मिरर जो इमेज फॉर्मेशन है वो कंप्लीट कर ली है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।